सामाजिक व्यवस्था में जनजातियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जनजातीय समूह देश के सबसे पिछड़े हुए वर्ग में रखे जा सकते हैं। विश्व में जनजातियों के वितरण की दृष्टि से भारत में जनजातियों की जनसंख्या किसी भी देश से अधिक है। भारतीय जनजातियों को विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रखा जा सकता है। अभी भी ये लोग सभ्य समाजों की तुलना में अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। मानव वैज्ञानिकों के अनुसार कोई जनजाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का एक ऐसा समूह है जिनका एक सामान्य नाम है, जिनके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं और एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। ये अभी तक संस्कृतिकरण का विरोध करते आए हैं। ये सभ्य जगत से दूर पर्वतों तथा जंगलों में दुर्गम स्थानों में निवास करते हैं। भारत में जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की लगभग 8% है। विभिन्न राज्यों एवं केंद्र प्रशासित प्रदेशों में इनकी जनसंख्या अलग अलग है। इनकी सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था, किंतु हाल ही में मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात बने छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों की काफी आबादी नवगठित राज्य में चली गई। अभी भी मध्य प्रदेश में आदिवासी जनजातियों की आबादी काफी अधिक है। यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ बिरहोर, उरांव, संथाल, मुंडा, हो, भूमिज और भील भिलाला आदि हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में सर्वाधिक संख्या में निवास करने वाली जनजाति भील भिलाला है। झाबुआ में सदियों से रह रही जनजाति भील भिलाला के लोग आज भी अपने परंपरागत तरीकों से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शब्द बील से बना है, जिसका अर्थ है धनुष।
कहा जाता है कि भील धनुर्विद्या में निपुण थे और आज भी इसी धनुष के बल पर निर्भय होकर भीषण वनों में फिरते रहते हैं। अभी तक उनकी दुनिया उनके कबीले और ग्राम तक ही सीमित थी। ये लोग अपने उत्सव, अपने रीति रिवाज और अपने शादी ब्याह की परंपरागत तरीकों को ही मान्यता देते हैं। आज भी यहाँ के लोग जब खुशी मनाते हैं तो अपने लोकगीतों को समूहों में गाते हैं और मस्ती से झूमते हैं। उन्हें बाहर की दुनिया से कोई सरोकार नहीं था। ये भोले भाले आदिवासी हमेशा से बाहर की दुनिया से कटे हुए थे। अपने समुदाय की समस्याओं से खुद ही जूझते रहना इनकी नियति थी, क्योंकि ना तो ये बाहर की दुनिया को समझते थे और ना ही समाज की अन्य जातियां इन्हें समझ पाती थी। इनकी सबसे बड़ी परेशानी थी इनका निरक्षर होना, जिससे ये अपनी समस्याओं और जरूरतों को ना तो समाज के सामने पेश कर सकते थे और ना ही सरकार के आगे रख पाते थे। अपनी भौतिक जरूरतों के लिए ये जनजातियां मात्र प्रकृति पर निर्भर करती थी। लेकिन आज समय के साथ साथ भीलों के जीवन में काफी परिवर्तन आया है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रौढ़ शिक्षा और अन्य कई योजनाओं ने इनके जीवन को सभ्यता और साक्षरता की एक नई पगडंडी दिखाई है। भारत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने और अपनी योजनाओं को गांव-गांव कस्बों तक पहुंचाने के लिए सभी राज्यों में स्टेट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए हैं और उसी क्षेत्र के
कलेक्टर को जिला साक्षरता समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आदिवासी जिला झाबुआ आर्थिक संसाधनों की न्यूनता की वजह से अत्यंत पिछड़ा एवं निर्धन जिला है। यहाँ की साक्षरता दर भी काफी कम है। यद्यपि साक्षरता अभियान पर आधारित योजनाओं में साक्षरता समिति को संतोषजनक सफलता प्राप्त हुई है। ९९१ की साक्षरता दर 19.01% थी, जो 2001 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 37.08% हो गई है। विशेषकर महिला साक्षरता दर में अत्यंत संतोषजनक वृद्धि हुई है, क्योंकि साक्षरता अभियान में भील महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा अधिक उत्साह दिखाया है। भील महिलाओं ने पढ़ लिखकर अपने जीवन को नए ढंग से संवारा और सजाया है। ये शिक्षा का ही परिणाम है कि अब महिलाएं इतनी जागरूक हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। सभी महिलाएं मिलजुल कर अपने और अपने गांव की तरक्की के लिए अग्रसर हैं। ९९१ में महिला साक्षरता की दर 11.52% थी, जो 2001 की जनगणना में बढ़कर 25.56% हो गई है। झाबुआ में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अनेकों समितियां काम कर रही हैं। टुंगलबरी ने दलवन लागी रोए वागे माकड़ी राजीव गांधी प्राथमिक विद्या मिशन ने छोटे बच्चों को साक्षर बनाने का बीड़ा उठाया हुआ है। धन धन रे मारी भारत माता धन मक्का की राबड़ी। शिक्षा गारंटी शाला मलिया फलिया मसूरिया में बच्चों को नए साधनों के द्वारा पढ़ाया जाता है। बच्चे पढ़ने में रुचि रखते हैं और बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराते हैं।
हेड स्टार्ट स्कीम पिटोल के अंतर्गत बच्चों को कंप्यूटर द्वारा शिक्षित करने पर काम किया जा रहा है। बहुत खूब, आपने सही शब्द बना दिया, पैसा। कंप्यूटर द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए इतने मनोरंजक ढंग से प्रोग्राम तैयार किए गए हैं कि बच्चों को पढ़ने में आनंद आता है और खेल खेल में वो पढ़ना सीख लेते हैं। इसमें जिले को संतोषजनक सफलता प्राप्त हुई है। बहुत खूब, शाबाश, बहुत खूब, आपने सही शब्द बना दिया। मध्य प्रदेश की एसआरसी निदेशक सुश्री कुंदा सोपेकर इन परिणामों से काफी प्रभावित दिखाई पड़ती हैं। मध्य प्रदेश में एक अभिनव प्रयोग पिछले 99 में किया गया। यह प्रयोग था पढ़ना बढ़ना आंदोलन के रूप में। यह एक तरह से जो लोग अभियान में, साक्षरता अभियान में नहीं जुड़े थे, उन लोगों के लिए किया गया था। इसके पीछे तीन उद्देश्य थे। हम ये कल्पना करते हैं साक्षरता अभियान में कि लोग पहले पढ़ेंगे लिखेंगे, अपनी जो पिछड़े हैं, शोषित हैं, इसके कारणों को जानेंगे और उसके बाद संगठित होंगे। पढ़ना बढ़ना आंदोलन में इसके विपरीत कार्य हुआ थोड़ा सा। पहले ये प्रयास किया गया कि लोग खुद पहले संगठित हो, अपने समूह बनाएं और अपने समूह द्वारा साक्षरता की मांग करें कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे लिए पढ़ाने की व्यवस्था करिए। बहन भाइयों ने अपने समूह बनाए, उन समूहों ने अपने पढ़ाने के लिए मांग प्रस्तुत की और उनके मांग के आधार पर उनके लिए गुरुजी नियुक्त किए गए। ये गुरुजी उनके स्थानीय थे, उन्हीं के टोले के, उनके आसपास के थे और इन गुरुजी ने इनका पढ़ाने का काम शुरू किया। ये पठन पठन का कार्य दिसंबर 99 से शुरू हुआ था, वो लगातार दिसंबर 2000 तक चला और दिसंबर 2000 में 7-8-9 दिसंबर को पूरे प्रदेश में एक साथ सभी का मूल्यांकन किया गया और इस मूल्यांकन के परिणाम हमारे अभी के वर्तमान के जो सांख्यिकी है, जनगणना है, उसमें बहुत पॉजिटिव आए। जो प्रदेश साक्षरता के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा माना जाता था, उस प्रदेश के लगभग आधे जिले राष्ट्रीय साक्षरता के स्तर पर पहुँच गए हैं। झाबुआ के ग्राम गुंदीपाड़ा में, जहां का मार्ग काफी दुर्गम है और आंतरिक क्षेत्र में होने के कारण पहुंचना कुछ कठिन है, वहां केवल पगडंडी के सहारे ही पहुंचा जा सकता है। वहां भी प्रौढ़ शिक्षा में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई है। यहां लोगों को साक्षर बनाने के लिए सतत शिक्षा केंद्र समिति ने स्वयं सेवक तथा गुरुजी के माध्यम से पढ़ना वढ़ना कार्यक्रम संचालित किया है। पढ़ना वढ़ना आंदोलन के 28 जुलाई 1999 से दिसंबर 2000 तक के आंकड़े इस प्रकार है। पढ़ना वढ़ना समितियां 6577, दर्ज असाक्षर 1,26,995, सफल नव साक्षर 87,374। इस योजना की सफलता के बाद नव साक्षरों ने आगे पढ़ने की उत्सुकता व उत्साह दिखाया है। नव साक्षरों को अपने परंपरागत व्यवसायों के साथ साथ अतिरिक्त अन्य व्यवसाय का प्रशिक्षण स्व सहायता समूह के माध्यम से दिया जा रहा है।
अब महिलाएं सिलाई का काम करती हैं और उन्हें काफी अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है। इसमें उनके पति और जिला समिति के लोग सहायक होते हैं। महिलाएं पढ़ लिख रही हैं और अपना हिसाब किताब रखने में सक्षम बनी हैं। आज सभी महिलाएं अपनी बचत को बैंक में जमा कराती हैं तथा अपनी जरूरतों के लिए बैंक से लोन भी ग्रहण कर रही हैं। जिला कलेक्टर नीरज मंडोलिया इस तरक्की से काफी खुश दिखाई पड़ते हैं और ग्राम वासियों को और अधिक सुविधाएं मुहैया कराने में प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश में गत वर्ष पढ़ना बढ़ना आंदोलन एक विशेष रूप से चलाया गया था। ये एक वर्ष का अभियान के रूप में आंदोलन लिया था, जिसमें हर एक गांव में समितियां बनाई गई थी और उसमें साक्षरता की ही तर्ज पर प्रौढ़ों को, जो निरक्षर हैं, उनको अध्ययन के लिए प्रेरित किया गया था। वही तीन प्राइमर का कंसेप्ट था, प्राइमर 1, 2 और 3, और उसके माध्यम से समितियों के बना के रात्रिकालीन और प्रातःकालीन कक्षाएं लगाई गई थी। पढ़ना बढ़ना की उपलब्धि पूरे प्रदेश में और झाबुआ ज़िले में बहुत अच्छी रही है और मैं बताना चाहूँ कि 91 के सेंसस से 2001 का जो भी जनगणना हुई है उसमें झाबुआ ज़िले ने 200% यानी 2 गुनी साक्षरता दर की एक छलांग लगाई है। तो इस उत्साहवर्धन को देखते हुए हमारा ये उम्मीद रहेगी कि 2001 और 2002 का जो महिला साक्षरता का जो अभियान रहेगा उसके माध्यम से हम झाबुआ ज़िले को प्रदेश के एवरेज में और प्रदेश को नेशनल एवरेज के जितना नज़दीक ला सकें। गुंदीपाड़ा में गुरुजी प्रणाली के काफ़ी महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं क्योंकि गुरुजी उन्हीं के ग्राम के सदस्य हैं और इन्हें भली भांति समझते हैं। पहले पढ़ना लिखना जानते तो थे लेकिन इतना नहीं जानते थे कि पढ़ने से क्या फ़ायदा है, कैसे पढ़ेंगे तो क्या होगा आगे बढ़ के। लेकिन हमने ऐसी शिक्षा दी कि जिससे पढ़ाने से किताब हिसाब किताब कर लेते हैं। गुरुजी के योगदान के साथ साथ कुछ स्वयं सेविकाएं भी साक्षरता के इस प्रयास में जी जान से जुटी हैं। सुश्री संगीता एक ऐसी ही कार्यकर्ता हैं। इन्होंने स्वयं साक्षर होने के पश्चात गांव की लगभग सभी महिलाओं को साक्षर बनाया है। पहले महिलाएं एक ग्रुप में 12 महिलाएं होती है तो उसमें से कम 2-3 ही साइन कर पाती थी, बाकी महिलाएं अंगूठा लगाती थी। तो अभी कम से कम 100% महिलाएं साइन करती है। गांव में बच्चों का ड्रॉप आउट रेट जो काफी मात्रा में था आज उसका प्रतिशत 9 के बराबर है। स्वयं सहायता समूह ने आदिवासियों को खेती के नए नए तरीके भी बताए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है नाडेप। नाडेप का इस्तेमाल करके आदिवासी किसानों ने काफी अच्छी फसल उगाई है। अपने अनेकों व्यवसायों से धन अर्जित करके ये आदिवासी अपने गांव के बाजार हाट से अपने लिए जीवन की भौतिक जरूरतों का सामान खरीद सकते हैं। ये आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आज गांव के आदिवासी मानते हैं कि शिक्षा की राह पर चलकर ही उन्हें अपनी मंजिल मिलेगी। अब महिलाएं और पुरुष जागरूक हैं, अपने व्यवसायों में लगे हैं, अपने काम के साथ साथ अपने लोकगीतों को भी नहीं भूले हैं।
स्कूलों में जाते हुए बच्चे, पढ़ते हुए युवा और बुजुर्ग लोग मस्ती में झूमते गाते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कह रहे हों कि हमने अपनी तरक्की की राह खोज ली है, अब हम पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। निरक्षरता का कोई ना रहे बंदी, खोज कर एक नई पगडंडी, खोज कर एक नई पगडंडी। गांव गांव नगर नगर फूलों की कही जाती, क्या राम क्या रहीम, शिक्षा ही सबको भाती, हो शिक्षा ही सबको भाती। ढूंढ ही लेंगे ढूंढ ही लेंगे साक्षरता की एक नई पगडंडी, साक्षरता की एक नई पगडंडी।